अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तुम दोनों बाहर कैसे आ गई? कोई बचा मुझे। शालू, छोड़ो मुझे। सोलह साल की एक आम लड़की क्या करती है? स्कूल जाती है और अपने आने वाले जीवन के सपने बुनती है। लेकिन यहाँ 16 साल की एक लड़की बीनू ने कत्ल कर दिया, और वो भी अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी का। आखिर ऐसा क्या हुआ था बीनू के साथ कि उसने इतना खौफनाक क्राइम किया? मजबूरी थी या फिर सोची समझी साजिश थी? सवाल तो एक ही था, आखिर क्यों। लेकिन इसके जवाब में इंसानियत और भरोसे को तार तार कर देने वाली कई परतें। बीनू बेटा, उठो बेटा, तुझे टीचर बनना है और तू है कि इतनी देर तक सो रही है। चलो उठो बेटा, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना। घोड़े बेच के सो रही है, हाँ? नाश्ता कौन बनाएगा, हाँ? तेरी मरी हुई माँ या मरा हुआ बाप? माँ, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। जी कितनी बार बोला है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ हूँ मैं। चल उठ जल्दी, नाश्ता बना, चालू को स्कूल के लिए देर हो, उठ जल्दी, चल जा। बुक पढ़ रही हो? क्या हुआ, रख क्यों दिया? पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ लो। कितनी बार कहा है तुमसे, हाँ मेरी बुक्स को हाथ मत लगाया करो। क्या चाहती हो, मम्मी को बुलाओ? नहीं नहीं मम्मी मत बुलाओ प्लीज। मम्मी क्या हुआ? मम्मी ये देखो, ये फिर से मेरी बुक्स को हाथ लगा रही है। पढ़ाई करेगी तू? फिर से किताब को हाथ लगाना तो देखना, आठवीं तक कर ली ना पढ़ाई, हाँ? पैदा होते ही माँ को खो गई और पढ़ाई का खर्चा उठाते उठाते बाप को भी निकल गई। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूं। तेरे बाप का सपना ना तेरे बाप के साथ ही मर गया, अब तू सिर्फ घर का काम करेगी, समझी तू? और पढ़ाई मेरी शालू करेगी, समझी तू? ले मार्केट जा और सब्जी लेकर आ, और हाँ एक भी चवन्नी इधर से उधर हुई ना तो देखना, तुझे भी तेरे माँ के पास पहुंचा दूंगी, समझी? जा। माँ लेकिन वो मेरी चप्पल टूट गई। महारानी बिना चप्पल के मार्केट नहीं जाएगी, हाँ? अरे पहले के लोग बिना चप्पल के सब कुछ किया करते थे, और तू मार्केट नहीं जाएगी? चल जा मार्केट। बढ़िया ही महारानी, चप्पल चाहिए। माँ अब तो पापा भी नहीं है, क्यों इसे घर पे रख रही है? प्री की नौकरानी मिली है, बाहर की नौकरानी को पैसे देने के लिए कहाँ है हमारे पास? सड़ेगी, यही सड़ेगी। अरे बीनू कहाँ जा रही हो? वो मैं बाजार जा रही थी सब्जी लेने, ऐसे नंगे पैर। ऐसी औरत है, एक काम कर तू मेरी चप्पल पहन ले। नहीं नहीं आप पहनिए, मैं ऐसे ही चले जाती। अरे कोई बात नहीं पहन लेना, मुझे यही जाना है, घर तो यही है मेरा। नहीं नहीं अगर माँ ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे बेटा तुम बाहर ही कहीं छुपा देना ना, चल पहन ले फटाफट और जल्द चली जा बाजार।
वरना वो चुड़ैल फिर नाराज हो जाएगी। चल मैं चलती हूँ। अरे सर आप, अरे बीनू विवेक सर आए हैं, चाय लेकर आना। शालू तुम्हारे फिर से भूगोल में मार्क्स कम आए हैं, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से पढ़ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ओके? आज हम पढ़ेंगे पिन कोड। कैसे पिन कोड से किसी भी क्षेत्र का पता चलता है, बिना पिन कोड के कोई भी पता अधूरा है। क्या है हमारे मोहल्ले का पिन कोड? 4-5-8-0-0-1। बीनू, तू अभी तक चाय उबाल रही है, देख अब। विवेक सर चले जाएंगे तब चाय देगी। ये ले जा, देकर आ जल्दी। ऐसे ही जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे ध्यान से पढ़ना। ये क्या किया तूने बीनू? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। क्या क्या, क्या किया तूने? दिखता नहीं है। ये क्या कर रही हैं आप? बच्ची है ये। बच्ची है? मेरे बच्ची से जलती है ये। मेरी शालू पढ़ाई ना करे इसकी तरह गवार रहा है, इसलिए जलती है ये। जैसे शालू बच्चे वैसे ये भी बच्ची है, आपको इसके ऊपर हाथ ही उठाना चाहिए। विवेक सर ने मेरी आंखें खोल दी, उनकी बातों से मुझे ये एहसास हुआ कि तू भी मेरी बेटी है, मेरी शालू जैसी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलो। रात हो गई है, मैं खाना बना लेती। मैंने रोटी बना ली है। माँ, माँ। पढ़ाई करेगी तू? हाँ पढ़ाई करेगी तू? मेरी बेटी से जलती है तू? हाँ मैंने गलती कर दी तुझे रोटी और छत देकर। ना आज रोटी रहेगी ना छत रहेगा। मुझे माफ कर दो माँ, सुनो तो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मेरी बात तो सुनो माँ, माँ चल तो अब मर रात भर बाहर। नहीं माँ, माँ मेरी बात तो सुनो माँ, माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ दरवाजा खोलो। We'll be right back.
मैं हूँ। विमला ने तो आज हद ही कर दी। तू चल मेरे साथ, मेरे घर चलता है। चल चल। आले ठीक बना है ना? जो भी पी लो। चिंता मत कर बीनू, मुझे अच्छे से पता है तेरी माँ को कैसे समझाना। बस कल सुबह जो मैं कहूँ ना, उसे आंख बंद करके मान ले, ठीक है? सोच। रात को मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल। उससे मैं फ्री की नौकरानी को निकाल दिया, चली गई तो काम करते करते तो मेरी जान ही निकल जाएगी। वही होगी। कल रात भर बीनू मेरे घर पर थी। विमला शर्म नहीं आती तुम्हें जवान लड़की को इतनी रात घर बाहर छोड़ते हुए? तो चाहिए आपको? चाहिए तो सही। बीनू। बीनू? हाँ, मैंने देखा है वो घर का काम कितना अच्छे से कर लेती है। मैं सोच रही थी कि अगर वो मेरे घर का भी सारा काम कर देती तो। हम लोग गरीब है इसलिए हमें काम वाली समझ रहे हैं। ये बात आज कहिए, अगली बार मत करना। 5,000 दूंगी महीने का। पांच हजार और भी कुछ है? बात करनी है तुमसे। आओ 2 मिनट। बीनू, आज से नीता आंटी के यहाँ काम पे चले जाना, समझी? था ना, मैंने तेरी माँ को अच्छे से जानती हूँ। तुझे पढ़ाई करनी थी ना, आज एक सर को बुलाया मैंने। विवेक सर? अरे नहीं, विवेक सर को बुलाते तो सबको पता नहीं चल जाता। ये दूसरे सर है और सर जो बोलेंगे ना वही करना, समझी? जी। पढ़ाई से पहले दूध पी लो, मतलब जो भी सर पढ़ाएंगे ना तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। आइए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बेटा ये तुम्हारे नए सर हैं। अब आप लोग पढ़ाई कीजिए, मैं अपने कमरे में हूँ, ठीक है? बैठिए। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान, शरीर का विज्ञान। एक स्त्री के शरीर और पुरुष के शरीर में अंतर क्या होता है? ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल करके बताता हूं, उससे तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत इंतजार करवाया, कब से इंतजार कर रहा था तेरा। बीनू, देख बेटा,
वही किया जो उनको करना चाहिए था, और आगे भी वही होता रहेगा, समझी? देख मीनू, तेरे घर में तेरी क्या औकात है ना, ये देख लिया है मैंने। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करती रहेगी ना, तो तेरे को अच्छा कपड़ा, खाना, आराम सब मिलता रहेगा। नहीं नहीं, मैं माँ को जाके सब बता दूंगी। माँ को? कौन सी माँ को? उस माँ को जिसको तेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और बेटा, तेरे कैरेक्टर के बारे में ना उस दिन वैसे ही शक भर दिया था उनके मन में मैंने। देखो विमला बहन, तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। एक तो बीनू 16 साल की है, ऊपर से विवेक सर से पता है कैसे बात करती है, जैसे पता नहीं कुछ चल रहा हो। अगर मेरे घर काम करेगी तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। ऊपर से व्यस्त रहेगी ना, अगर उसे काम में व्यस्त नहीं रखा ना तो तुम्हारे मुंह पे काले पोत के भाग जाएगी, तुम ही सोचो। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, समझी? माँ को बता दूंगी। भर गया पेट, चल पैसे निकाल और मार्केट में बात फैला दे कि नया माल आया है। कल आएगी? भाग गई तो? और अगर किसी क्लाइंट से कुछ जाकर कह दिया तो? अरे भागेगी कहाँ, घर में है ही कौन इसका? माँ बचपन में ही मर गई थी और बाप 1 साल पहले, और इसकी सौतेली माँ को क्या खाक पड़ी है इसकी। और रही बात क्लाइंट से कुछ बोलने की, जब तक इसको नशा पिलाते रहेंगे ये कुछ नहीं कर पाएगी। गई विवेक सर के लिए चाय बना के ला। नहीं नहीं, मैं चाय पी के आया हूं। विवेक सर, शालू के लिए मैंने दूसरा ट्यूशन टीचर देख लिया है, कल से आने की जरूरत नहीं। आप अभी तक यही हैं? आप जा सकते हैं। देखता, वही किया जो उनको करना चाहिए था, और आगे भी वही होता रहेगा, समझी? बीनू, बीनू, ये क्या, तू अभी तक नीता आंटी के यहाँ काम पे नहीं गई? माँ, मुझे नीता आंटी के नहीं जाना, वो बहुत बुरी है। पता था मुझे तू ऐसा ही बोलेगी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे वजह से इस घर में 4 पैसे आ रहे हैं। ये सब इसलिए कर रही है ना, ताकि विवेक सर के साथ तेरे नैन मट्टा का चालू रहे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। देख, या तो तू नीता आंटी के यहाँ काम पे जाएगी या इस घर में नहीं रहेगी। चल माँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। माँ, लेकिन मेरी बात तो सुनाइए। चल चल माँ, दरवाजा खोलो। माँ, तू तो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। माँ सुनो तो, माँ मेरी बात सुनिए। माँ दरवाजा खोलिए। देखा, नहीं सुनी ना किसी ने तेरी बात। अब जो मैं बोल रही हूं वही करती जा, ठीक है? पहले ये दूध पी ले, पी ले।
अब ये ड्रेस पहन ले फटाफट, तैयार हो जा। अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। बस एक चीज की कमी। आ करो। ये बाल। हाँ देखो। आज की पढ़ाई मेरे साथ। कहा था ना माला माल कर देगी। बीनू, बीनू। सर। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? सर, सर वो नीता आंटी दूध। विवेक सर, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो ना, लड़कियों को काम करना चाहिए ऐसा कहते हो ना, अब ये काम कर रही है तो इसे फुसला रहे हो? यही है या और कोई चक्कर है? ये क्या बकवास है, ये मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी है नहीं, अगली बार इसके आसपास भी भटके ना तो पुलिस में फोन करके कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ सर, वो तो नीता आंटी बहुत अच्छी है और ये सब काम अपनी मर्जी से कर रही हूँ। चल यहाँ से, चल। किस दुविधा में थी बीनो, जिस पर उसने भरोसा किया, हर किसी ने उसका भरोसा तोड़ा। सबसे पहले माँ के रूप में उसकी सौतेली माँ, और फिर हमदर्द बनकर उसके पड़ोस में रहने वाली आंटी ने। हालांकि बीनू को एक मौका मिला था विवेक सर को सब कुछ बताने का, लेकिन उसने ये मौका गवा दिया। ये गवाया हुआ मौका ही बीनू के साथ हो रहे अत्याचार की सीमा को पार करने का एक अहम कारण भी बन गया था। बीनू, चल मेरे साथ। आंटी। बस बेटा, चल बेटा, मैं तुझे अब यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी, चल मेरे साथ। लीला, लीला। ये? अरे ऐसे क्यों देख रही है बीनू? मैं, नीता और जोगी साथ में काम करते हैं, मिल बांट के खाते हैं। उसने तो कमा लिया, अब मेरी बारी। कहाँ भागती है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। घर जाती हूँ। घर? तू यहाँ रहती है? तू बोलना ना। तू तो
किसी को बता क्यों नहीं दी? तू पागल है क्या? मैं कहां बीच ही गई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ से निकलना कैसे, पर तू कह दू। मेरे एक छोटे बहन बिन के कब्जे में, पर तू तो घर जा सकती है ना, किसी को बताती क्यों नहीं? कोई मानेगा ही नहीं, माँ भी सौतेली है। अरे पर कोई तो होगा जो मानेगा। विवेक सर, लेकिन माँ ने उन्हें भी निकाल दिया। अरे पर रहते तो यही है ना, वो किसी भी तरह उन तक बात पहुंचा कि उन्हें शक हो कि तुम मुसीबत में है। और सुन, मेरे एक मैसेज मत भेजना, वरना तू भी जान से जाएगी और वो भी। मैं, नीता और जोगी साथ में काम करते हैं, मिल बांट के खाते हैं। जो महीना आया है नीता आंटी के यहाँ कोई मर्द आता था? देख विमला, तू गलत समझ रही है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी इसके साथ, ये खुद अपनी मर्जी से आई थी। नहीं मैं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चुप कर, तू जो कर रही है ना मुझे सब पता है, मेरे हाथ में 5,000 थमाकर खुद लाखों में खेल रही है। अरे विमला, तू तो बुरा मान गई बहन, आना बैठ 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 के बात करते हैं ना। तुझे यही शिकायत है ना कि मैं तुझे कम पैसे दे रही हूँ, है ना? तो तू ज्यादा ले लेना। तू बता तुझे कितने पैसे चाहिए, बता। तो ठीक है, ये महीने का चिल्लर और ये बोझ मुझे दोनों नहीं चाहिए, तू एक बार में मुझे 5,00,000 दे और इसे भी यही रख। मैं नहीं चाहती इस गंदगी का साया मेरी बेटी पर भी पड़े। नहीं विमला, तू 5,00,000 बहुत ज्यादा बोल रही। मानती है तो ठीक है, वरना पुलिस को फोन करके तेरे सारे धंधे बंद करवा दूंगी। अरे तू तो फिर से बुरा मान गई, तू रुक मैं अभी आती। अब ठीक है, मां ऐसे मत जाओ मुझे छोड़ के, मां मेरी बात तो सुनो एक बार। इतनी बार तुझे कहा है मैं तेरी मां नहीं हूं। लेकिन मां इधर, 5,00,000 रुपए दिए हैं तेरे लिए, समझी? अब ठीक यही रहेगा कि तू काम करके ये पैसे चुका। चल अंदर चल के तैयार, चल अंदर चल के तैयार हो। बीनो को बस धोखा ही मिला, पहले अपने पड़ोस वाली आंटी से, उसके बाद दूसरी आंटी से, और उसके बाद अपनी सौतेली माँ से। उसके भरोसे का धागा टूटता जा रहा था, उसकी उम्मीद की किरण अंधेरे में गुम हो रही थी। जिस जिन से उसने सहारे की उम्मीद रखी, उन लोगों ने पैसों के लालच में आकर उसकी शरीर की बलि चढ़ा दी। अपने घर से 4 कदम दूरी में बीनू कैद थी, जहां से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। तो क्या बीनू इस घर से कभी बाहर आ पाएगी? आइए देखते हैं। मैं यहाँ से छूट के सीधा महिला मुक्ति केंद्र जाऊंगी, वहां कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ लड़कियां होती हैं, मेरे और तेरे जैसी। वहां पढ़ाते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं, वहां से सीखी नौकरी भी मिल जाती है, फिर किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। लेकिन उसके लिए यहाँ से निकलना होगा, तो कुछ तो कर, विवेक सर तक मैसेज पहुंचा। लेकिन कैसे? सोच कुछ, वरना अभी तो इसी मोहल्ले में, कल को कहीं बेच दिया तो सारी जिंदगी के लिए फंस जाएगी, मेरी और बाकी लड़कियों की तरह। बाकी लड़कियां? तुझे क्या लगता है
सिर्फ मैं और तू है, बाकी बहुत सारी लड़कियां हैं और नई नई आती भी रहती है। मैंने तुझे कहा था ना, मेरी छोटी बहन बन के कब से मैं भाग गई, तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। हमारे मोहल्ले का पिन कोड है 4-5। दीदी आपके पास लिपस्टिक काजल आने में कुछ है? लिपस्टिक? हाँ एक दो। जल्दी बीनू। हाँ आई। नीता तू हर बार जोगी को पहले क्यों भेज देती है? हर नई लड़की की बोली उसी से करनी पड़ती है। हाँ वैसे पैसे तो दे रहा है, चल ठीक है अब नई लड़की आती होगी। अरे वो बुलबुल को तो भेज दिया है। नई लड़की आ रही है, सबका ध्यान वही होगा। मुझे इन लोगों ने मुंबई में भेज दिया है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? पुलिस स्टेशन और कहाँ? अरे इसी मोहल्ले की तो है, लेकिन ज्यादा रख नहीं सकते उसे, बेचना होगा। जोगी को इसीलिए तो बुलाया है। भरोसा करती है मुझ पे। अरे शालू बेटा। नमस्ते आंटी। शालू? दीदी ये तो शालू है, लीना आंटी के घर। कहीं नई लड़की शालू ही तो नहीं होगी? तुझे क्या करना है, कौन सा ही अच्छी है तेरे साथ, मरने दे उसे। देख मैं कह रही हूँ ये मौका दोबारा नहीं आएगा, तू चल यहाँ। रुको दीदी। और मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। खाना खा लिया? चल आ जा। चल दीदी। नहीं शानू मेरी बहन है, मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आपको जाना है तो जाओ। तू पागल है क्या? अगर मैं भाग दूँ तो ये आज के आज तुम दोनों को भेज देगी पुलिस के डर के मारे। देख मैं बोल रही हूँ तू चल यहाँ से। दीदी शानू मेरी बहन है, आपकी तो छोटी बहन है ना, मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती यहाँ से। ठीक है आप जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तुम दोनों बाहर कैसे आ गई? कोई बचा मुझे। शालू छोड़ो। कहाँ जा रही है? ऐसे जाएगी देखती हूँ ना। छोड़ो मुझे। बचेगी तो जाएगी ना।
ये तो मेरा पिछाड़ा यार। ए, क्या क्या होता है? बीनो, 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 ए, छोड़ उसको। पीछे, पीछे, पीछे चल। पहले क्या होता है यहाँ पे भाग चलता है? बहन कैसे भागती? मेरी बहन थी यहाँ पे। तू आगे बता ना। चलो, चलो तू जा। चलो, जा जल्दी। चलो, चलो तू मेरे पापा। ए, आगे बता। मोहन। मार दूँगी वरना आगे बताना। आगे बताना। आ, आ, दीदी। आ, आ। दिया ना? भगा दिया ना उसे? मेरी बात कान खोल कर सुन। जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा तुझे। नहीं तो लीला के खून के इल्जाम में तू, तेरी बहन और ये लड़की सबको अंदर करवा दूंगा, समझे? नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शालू को छोड़ दो प्लीज, आपको मुझे जो करना है कर लो, लेकिन शालू को कुछ मत करो, तो जाने दो। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। ए, एक काम कर, इन दोनों को खुफिया कमरे में लेके जा, चल जल्दी। नीता, यहाँ पर कांड हो गया। बीनू और बुलबुल को एक दो दिन में बॉम्बे भेजना पड़ेगा। चालू, चालू तू जा, चालू जा जल्दी। क्या हुआ तुझे? जब से बाहर से आई है चुपचाप है तू? बीनू, वो बीनू कितनी बार कहा है? बीनू नीता के साथ उसके गांव गई है कुछ दिनों के लिए, यहाँ नहीं है वो। अगली बार यहाँ आए ना तो पुलिस को बुला दूंगी। जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना जाओ। सर इस डेड बॉडी में ना ही कोई आईडी प्रूफ मिला है, ना ही कोई वॉलेट मिला है सर। आसपास के एरिया में लोगों को इसकी फोटो दिखाओ और पता करो इसके बारे में, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं बीनू कहाँ है, बस कहीं से एक सुराग मिल जाए। एक पानी देना। पैसे तो ज्यादा लेती है लेकिन माल भी सही रखती है। पिन कोड कहाँ गया था तू? बोल। बाप है क्या मेरा? क्यों बताऊं? बताता है या तेरे घर पे फोन करूं? बोल, बोल, अभी घर पे फोन करता हूं तेरे। रुक एक मिनट, रुक। बता, बता, बता। मैं लीला और नीता के घर आता जाता रहता हूं, वहां कुछ लड़कियों से मिलता हूं। लिख दिया होगा किसी ने? साफ साफ बता कौन सी लड़कियों की बातें कर रहा तू? बोल। सब सब बताते हैं। अरे 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 कौन हो तुम लोग, क्या चल रहा है? मेरी स्टूडेंट बीनू खतरे में है। किससे खतरा था? सर बीनू की पड़ोसन नीता और लीला से खतरा है उसको। लीला? वो इसी एरिया की लीला? सर उस बॉडी की शिनाख्त हो गई है और बताया जा रहा है कि उसका नाम लीला है और सर वो यही रहती है। और ये सब कब बताने वाले थे तुम? सर अभी बताने वाला था आपको। मैं इस औरत के खून के बारे में कुछ नहीं, मैं इस औरत का क्लाइंट हूँ। ये और नीता दोनों मिलकर लड़कियाँ सप्लाई करते थे। मैं बीनू से इसी औरत के घर पे मिला। और ये नीता कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता, मैं बीनू से लीला के घर पे मिला था। कॉन्स्टेबल? यस सर। बीनू की जान को भी खतरा हो सकता है। सर ये भी हो सकता है कि उस लड़की ने लीला का मर्डर कर दिया हो और वो खुद ही गायब हो गई हो। कहानियां मत बनाओ, जल्दी करो, चलो मेरे साथ। ए, क्या चल रहा है यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे साहब। ये लड़की है ना बीनू, इसने खून कर दिया लीला का और भाग रही थी ये, तो हम इसको लेके आप ही के पास आ रहे थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसने खून किया, हम लोग सही कह रहे सर, हम लोग कुछ नहीं किया सब। देखा चलो, चलो साहब, साहब बात तो सुन लो। बता तूने खून किया है, बोल। बोल रही हूँ मैंने खून नहीं किया मैडम जी। सच सच बोलती है कि दो एक।
बोल, ये खून तूने किया है? सर मैंने खून नहीं किया, सर मैंने खून किया, सर मैंने किसी को खून नहीं किया, सर लीला का खून मैंने नहीं किया। सच सच बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। सच सच बता बीनू, लीला का खून तुमने किया है? हाँ, क्यों? सर, बीनू बोल रही है कि लीला का खून उसी ने किया है, लेकिन वजह नहीं बता रही। सर ऐसा नहीं हो सकता सर, बीनू ऐसा नहीं कर सकती, बीनू किसी का खून नहीं कर सकती है सर। सर आप इन्हीं लोगों से बात कीजिए, वही लोग बीनू को फंसा रहे हैं। सबने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है, बीनू ने भी। सर अगर बीनू ऐसा कह रही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा या बहुत बड़ी मजबूरी होगी सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती है। मुझे पता है क्या कारण है, बीनू ने लीला का खून किया, लेकिन किसी को बचाने के लिए, शालू की इज्जत बचाने के लिए ये खून किया। शालू बेटा, सच कह रही है? हाँ सर, मैं भी वही थी जहाँ लीला आंटी का खून हुआ था। क्या तुमने जो कहा है वो सब सच है? आप आइए। हेलो, सर छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को, छोड़ दीजिए। हम समझ सकते हैं बीनू ने वाकई बहुत बहादुरी का काम किया, पूरे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को पकड़वाया है, लेकिन बीनू ने कन्फेस किया है कि उसने लीला का खून किया, इसलिए कोर्ट में जाने से पहले एक फीमेल वेलफेयर संस्था की सारी निगरानी में पूरी परिस्थितियों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही बीनू को रिहा किया जाएगा। लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का मामला है, बीनू को कुछ नहीं होगा। बेटा ये सब खत्म हो जाए तो तू घर चल। हाँ, पर मुझे अब घर नहीं आना, मुझे बुलबुल दीदी के साथ महिला मुक्ति केंद्र जाना, वहाँ मेरी पढ़ाई होगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ सर, वो घर मेरा नहीं है, बल्कि वो पिन कोड ही मेरा नहीं है। बीनू सही कह रही है, घर के सारे फैमिली मेंबर्स और पड़ोसी सबने उसका विश्वास तोड़ा है। मुझे लगता है कि बीनू को अपनी जिंदगी की शुरुआत अब एक नए सिरे से करनी चाहिए। बेस्ट विशेस बीनू। साल की बीनू जैसी न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका शोषण हो रहा है। हालांकि बीनू ये बात अपने परिवार वालों को बताना चाहती थी, लेकिन बीनू के घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह लाख पर्दे के पीछे हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन बीनू ने हिम्मत दिखाई और उसकी इस हिम्मत की वजह से ना सिर्फ बीनू और बुलबुल, उनकी तरह 15 लड़कियां इस चुंगल से आजाद हो गई। तीनों जैसी लड़कियों को हम जितनी बार सलाम करें वो कम ही होगा। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।